मैं प्रतिभा तिवारी हूँ और मैं पूरा ऑर्गेनिक का काम करती हूँ। हम लोगों ने पहले ये छोटी सी शुरुआत करी। पहले मुझे ऐसा लगा कि बीमारियों से बचने के लिए मैं अपने घर को सेफ करके चल पाऊँ, तो जब मैंने अपने घर को सेफ करने की सोची तो हमने अब छोटा थोड़ा थोड़ा अनाज अपने घर के लिए उगाया। या तो आप ऐसा है कि बीमारी पे खर्च करिए और या फिर आप अच्छे भोजन पे खर्च करिए। तो मेरा ये थॉट है कि हम अच्छे भोजन पे खर्च करें ताकि हमारे शरीर को, हमारे परिवार को और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को किसी प्रकार की बीमारी ना हो। हमने अपने बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं भूमिशा ऑर्गेनिक्स पे लाए हुए हैं जो कि कंप्लीट ऑर्गेनिक हैं। ये देखिए, ये जैसे जैगरी पाउडर है, हम लोगों ने इसमें गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन भी ले रखे हुए हैं कि मतलब ये प्रोसेसिंग से लेकर के पैदावार, मतलब शुरुआत की पैदावार, लैंड सर्टिफिकेशन, फसल का और उत्पादन, ये सभी ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। तो हमने अपने यहाँ पे संपूर्ण दालों की रेंज है, अनाजों की रेंज है, स्मॉल मिलेट्स हैं, मोटे अनाज जिसको कहते हैं, मसाले हैं, ये सभी ऑर्गेनिक मसाले हमारे यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। और अभी हम इसको ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं, पैन इंडिया सप्लाई करते हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे कस्टमर दिल्ली से और बॉम्बे से और बेंगलोर से, यहाँ सभी जगह हमारे प्रोडक्ट जा रहे हैं। अभी हमारे पास मसालों की रेंज, सुपर सीड्स की रेंज और अनाजों की रेंज, दालों की रेंज प्राय सभी मिल जाती है। कितना टर्नओवर हो जाता है, कितने लोग जुड़े हुए आपसे? अब टर्नओवर कोरोना के बाद तो मेरा टर्नओवर काफ़ी कम हो गया था, लेकिन फिर भी इस साल हम लोगों ने उसको 42 पे अचीव कर लिया है, 42 लाख पे साल में। तो अब ये नया टर्नओवर है, मैं अपेक्षा कर रही हूँ, मतलब जो अभी हमारी मार्च की फाइलिंग हुई उसमें 42 लाख का हुआ है। अब ये जो मार्च के बाद का वो होगा, वो हम सोच रहे हैं कि ये शायद इससे जस्ट डबल हो जाएगा हमारा, क्योंकि हम लोगों का, हमारी ये सोच है कि हम इसके साथ साथ बच्चों के लिए सारी रेंज, आपके हेल्थ के लिए सारी रेंज, इवन आपकी स्किन केयर, हेल्थ केयर, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारी ऐसी महिलाएं जुड़ी हैं जो छोटे छोटे स्तर पे काम करती हैं लेकिन बहुत अच्छा काम करती हैं, बहुत ही अच्छा। तो उनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हमारे यहाँ पे मिल जाएंगे, भूमिशा ऑर्गेनिक्स पे मिल जाएंगे। और ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, ये हम अपने कस्टमर्स को बहुत ही रीजनेबल रेट पे सप्लाई करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपके जीवन में अच्छे भोजन की अहमियत बढ़े और आप एक बार अच्छा भोजन खाकर देखें कि आपको इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपके दैनिक जीवन। कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, किसान इन्वॉल्व है, प्रोसेसिंग किया उन्होंने, उनके घर से आया और वहाँ पे एक सर्टेन अमाउंट, मतलब सर्विस चार्ज उन सबको लगा करके, जो अपना खर्चा है उसे लगा के वो पहुँचाया जा रहा है उन तक। अभी हमारे यहाँ पे इसमें किसी प्रकार की कोई कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, हम लोगों ने डायरेक्ट किसानों से टाई अप करके रखा है। किसान हमको मटेरियल देते हैं, फिर मटेरियल लेने के बाद हम अपना प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करने के बाद पैकिंग भी हमारे यहाँ होती है। किसानों की जो फैमिली है वो इन्वॉल्व है, जैसे हम लोग छोटे छोटे लेवल पे पापड़ बनाते हैं, अचार बनाते हैं, या फिर हम लोग कुछ कुकीज़ वगैरह बना रहे हैं, इसमें हमने उन महिलाओं को भी अपने साथ जोड़ रखा है कि वो हमारी मदद करके ये सारी चीज़ों को बनवाती हैं। एडिशनल इनकम भी हो रही है। बिल्कुल, ये हमारे सारे मसालों की रेंज है, जिसमें कि हम लोगों ने ये लाल मिर्च पाउडर रखा हुआ है, सेंधा नमक रखा हुआ है। यहाँ हम लोगों ने चिया सीड, जो हमारे फार्मर्स करते हैं, उसके बाद इसको खुद डी स्टोन से स्टोन करवा करके बिल्कुल बिना, एकदम साफ़ सुथरा चिया सीड रखा है और काफ़ी नॉमिनल रेंज पे आपको यहाँ पे ये चिया सीड वगैरह देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने मसालों में मेथी दाना, कलौंजी, सौंफ, लौंग, ये सारे हमारे जितने भी मसाले हैं, ये सारे मसाले हम डायरेक्ट किसानों से लेकर के इसको अपनी पैकिंग करवाते हैं। फिर अभी हम लोगों ने इसमें काफ़ी सारी, जैसे कि हमारी अजवाइन हो गई, सफ़ेद तिल हो गई, तो ये सारी चीज़ें हमारे दैनिक जीवन में जो उपयोग में आने वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ों को हमने शामिल किया हुआ है। नाम कैसे बनाइए भूमिशा? भूमिशा, भूमिशा मीन्स होता है डिराइव फ्रॉम अर्थ, धरती से निकला हुआ। अच्छा जी, तो मतलब मैं कुछ ऐसा नाम सर्च कर रही थी कि जिससे मुझे समझ आए कि हाँ ये कुछ ऐसा होना चाहिए। और कोइंसिडेंटली मैंने अपनी बेटी का नाम भी भूमिशा पहले ही रखा हुआ था, क्योंकि हम किसान फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना हम उसी के नाम से आगे कंटिन्यू करें। ये फिर अपना जी, ये हमारी पल्सेज हैं और हम लोग क्या करते हैं कि इनको किसी प्रकार से स्टोर करने के लिए, हम पेस्ट किसी भी प्रकार से स्टोरेज के लिए कोई चीज़ उपयोग नहीं करते हैं, तो इसमें हम सिर्फ वैक्यूम पैकिंग करके रखते हैं। ये वैक्यूम पैकिंग है और ये वैक्यूम पैकिंग जब तक खुलेगी नहीं तब तक ये 6 मंथ 9 मंथ तक एज इट इज रहेगा, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई ऑक्सीजन नहीं है। तो ये एक स्पेशल टाइप की वैक्यूम पैकिंग है।
ये व्यूअर्स से जिनके बात कर जो बुनकरों का माल है ना? जी बिल्कुल, जैसे कि ये है, ये हमारे जो टुकड़े बच जाते हैं उसके बाद हाँ एक ग्रुप है, आकांक्षा जी हैं उसकी हेड, तो वो आकांक्षा जी इन सारे टुकड़ों को अरेंज करवा करके ये इन लोगों से इस टाइप के प्रोडक्ट्स बनवाती हैं जो हम अपने जो बच्चों के लिए कभी काम आते थे हमारे। बिल्कुल बिल्कुल, और अभी हमने उसको थोड़ा सा नया दिया है तो लोगों को पसंद आती हैं ये चीज़ें। फिर इसके अलावा हम लोग इस टाइप के फाइल फोल्डर जो हमारे ग्रुप में जिनका मैन्युफैक्चरिंग है रेणु जी, वो पूरे इस टाइप के खादी के बाघ के इस टाइप के फाइल फोल्डर ये उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग सभी लोग मिलकर के इस सारी चीज़ों को प्रमोट करते हैं। ये प्योर खादी का होता है, ये प्योर खादी के कुर्ते हैं जो कि अच्छी अच्छी इसमें ज़्यादातर महिलाएं शामिल हैं, मतलब लीडिंग जितनी भी हैं हमने सारी महिलाओं को दे रखी है कि महिलाएं अच्छे से लीड कर पाती हैं। हाँ, कुछ सामान को खरीदने आया अगर कुछ पसंद आ जाता है तो फिर चलो ये भी कर ले। हाँ, अच्छा ये आपने बताना जी, ये हमारे मोरिंगा की पूरी रेंज है जिसमें कि मोरिंगा का सिरम बनाया गया है, कोल्ड प्रेस मोरिंगा का ऑयल है, मोरिंगा का पेन रिलीफ है, मोरिंगा के ये सोप्स हैं, और ये हमारी हर्बल लिपस्टिक है जो हनी बी वैक्स से बनती है और इसमें किसी प्रकार के केमिकल वाले कलर नहीं होते। ये भी एक हमारी जो हमारी एक वुमन एंटरप्रेनर है वो ही बना रही है और इसमें किसी प्रकार के केमिकल नहीं है। ये भी हम लोग अपने स्टोर पे प्रमोट करते हैं जी। अब जैसे तुरंत खाने के लिए डिमांड बढ़ी है। हाँ, कोरोना के बाद से इनकी डिमांड बढ़ी हुई है।